हैं, थार में बैठने के लिए कर रहा था तूने गेटअप? अब हमने गाड़ी चेंज कर ली, वापस आ चुके हम हेरियर में, ठीक है। और सलार भी आने वाली, कौन कौन एक्साइटेड भाई? ये जिस भाई इस लड़की का सपना पूरा होगा जिंदगी में, पहली बार थार में बैठी है लड़की। और ये थोड़ी सी मॉडिफाइड भी है, इसमें बैठने में मेहनत करनी पड़ती है, यहाँ मेहनत करनी जैसे पड़ती तुम है। किसी बस में चढ़ो। तो अभी हम निकल गए एनिमल देखने के लिए, और लुक भी हमारा जानवर जैसा ही हो रहा है, बाल बाल हमने बनाए नहीं है, भागो दौड़ी में हम निकले हैं। सबसे पहले अनु रेडी हुआ था, और अनु रिकॉर्ड तोड़ दिया आज भैया, इतिहास तो बहुत जल्दी रहता, अगर टाइम दे दिया तो दे दिया। ये देखो भाई सामने हमें नाना पड़ता है ना, ये गाड़ी शादी ब्याह में भी जाती है, डीजे काम करती है, देख लो तुम लाइटें लगा रही है, रात को तो इसका और तगड़ा हुआ होता है। और भैया मूवी का रिव्यू आएगा रफ एंड टफ एनिमल स्टाइल में आएगा, कि हमें देखती कैसी लगी एनिमल का, ऐसे कर देगा। हाँ ये जानवरों की तरह बताएगी रिव्यू। अभी हम निकल रहे हैं सोसाइटी से। एक तो एप्पल वॉच जो पहनता है मुझे शो ऑफ लगता है, इसलिए भी अच्छा इसने पहनी है। अच्छा आई टेक माय वर्ड्स बैक फॉर टुडे। जिसमें नहीं है ना, जिसमें नहीं है उसे ऐसे ही लगता है। ओहो वो है नहीं ना आपके पास एप्पल। आज कुछ कहना चाहेगी? मैं सब यही कहना चाहूंगी कि मतलब इन लोगों ने हमें रात बोला इतनी बार कि 12 बजे ऐसे भागते दौड़ते तैयार हुए ना ये। 11:58 पे हम घर के बाहर थे, ये तो बहाने भैया, रिश्तेदार जबरदस्ती के बहाने लगा रहे हैं हम पे, भाग भाग के तब जाके रेडी हुए। ये बताइए जबरदस्ती का इल्जाम लग रहा है हम पे, बदनामी करी जा रही है। हमने तो ना लगाया कोई इल्जाम, हमने तो ना, हमें तो 11:58 पे निकले, 12 बजे उठ भी जाएगा। मैंने कहा टाइम दे दिया ना, तो भाई देखो सीधी सी बात है, हमें 12 का टाइम था, 11:58 पे निकले, और अगर पिक्चर निकली तो अभी इनकी गलती, इनकी गलती है, अनु को अगर रिश्तेदार होगी। आज ग्रीन डे है क्या भाई? ये लड़की थार में आने के लिए इसने पूरा गेटअप ब्लैक करके आई है, ताकि थार में बैठ सके। हैं थार में बैठने के लिए कर रहा था तूने गेटअप? अब हमने गाड़ी चेंज कर ली, वापस आ चुके हम हेरियर में, और अन्नू ने मेरे जूतों की बहुत बेइज्जती करी है, और ये वाले पहनाए हैं भाई। इसको देखना कितना कितनी बुरी लग रही है, पीछे थार इतनी बड़ी लग रही, तो कितनी बुरी लग रही है, स्कूल के जूते पहन के निकली है यार। अंकी तू बेइज्जती करा रही, तू एनिमल नहीं भाई, जो इसका गेटअप है ना अंकी का, ऐसा लग रहा है एनिमल देखने, नहीं कार्टून देखने जा रही है भाई। इसने मेरे को जिम्मेदारी दी है सारे व्लॉग बनाने की, क्योंकि इसको पता है कि ये जब मुंह खोलेगी तो इसको वही करना है। हाँ तो गॉड मॉल में आए हम पिक्चर देखने के लिए। तो भैया ये रहा यहाँ का बॉक्स ऑफिस, टिकट तो हमने ऑनलाइन ले ली थी, तब हम जा रहे हैं, और मैडम प्रेग्नेंट है तो इनको मशीन से नहीं आ सकते हैं, है ना। और नो भैया का वेट कर रहे हैं, भैया आ रहे हैं, हमारा तो पहला व्लॉग है। अच्छा। तो मैं करने वाली हूँ बुजी बुआ, और ये मम्मी टू भी। मैं हूँ फूफा, फूफा देख लो, फूफा अबे रुक जाओ, फूफा लग रहा हूँ कहीं से, ये बता दो है फूफा, और बाद में करेंगे पेट पूजा, अभी चल दो पहले यहाँ से टिकट निकलवानी क्या पड़ेगी। तो गाइस हम पहुँच तो गए हैं, अभी ये नहीं पता पिक्चर निकल गई है या पिक्चर चालू नहीं हुई है, लेट है, आने जाने में लेट हो गया, शुरू हुई नहीं है, ठीक है। और सलार भी आने वाली, कौन कौन एक्साइटेड भाई? ये जिस दिन आएगी ना ये देखने जरूर जाएंगे हम। हाँ, सलार माहौल तो सही लगा है मेरे को, और अभी बस जाते हैं अंदर, और मूवी का रिव्यू आपको देंगे जरूर, तो जुड़े रहो अभी। और प्यार भी देना बहुत है, जैसे एनिमल को दिया है प्यार। भाई अभी हमने मूवी देखी है, इंटरवल हुआ है अभी, तो इंटरवल से पहले जो सीन है ना सही रखा, वो भैया आप टीवी में नहीं देख सकते, आप नेटफ्लिक्स कहीं भी देख लोगे वो मजा नहीं आएगा, जो सिनेमा हॉल में आने वाला आपको मजा भाई। और अब तक मतलब ऐसा लग रहा है कि क्या ही बना दिया, भाई पैसा वसूल पिक्चर है, और आज मंडे है, मंडे को भी हाउसफुल जा रहा है, पूरा हाउसफुल, मतलब आगे की रो जो है सबसे आगे वाली वो भी भरी पड़ी है अभी, तो अभी मूवी देखते हैं, फिर पूरा रिव्यू प्रॉपर तरीके से आपसे शेयर करेंगे। तो भाई एनिमल मूवी देख के हम घर पे आ चुके हैं, और भाई साहब एनिमल वो पिक्चर मैं कहूंगा खूखार, लंबी थी ठीक है, बट अगर 5 मिनट पहले 5 स्टार देने हो तो फुल एंजॉयमेंट, 3 घंटे 21 मिनट की पिक्चर थी। हाँ। मेरे से पूछो, मैं वो इंसान हूँ जो सोचता है 200-250 रुपए खर्च करे टिकट पे ना, तो 5 घंटे पिक्चर दिखा लो, कई लोग होते जो कहते हैं जल्दी खत्म हो जानी चाहिए। हाँ। मुझे फुल पैसा वसूल मूवी लगी। हाँ। अगर 5 में से 1 स्टार देने होंगे मैं 5 में से 5 दूंगा, और भाई इस कैरेक्टर को रणबीर कपूर ने क्या अडैप्ट, रणबीर कपूर मैंने भाई, और मतलब नेक्स्ट लेवल निकल के आया मतलब सिनेमा हॉल में, और जो लिटरली जो थप्पड़ मारने की आवाज से लेकर गोली बारूद असला और जो सब, वो एक मशीन उसमें दिखाई थी ना, बेस्ट सीन था भाई वो गन वाला, वो बहुत खतरनाक, कुछ भी कह लो, नेटफ्लिक्स पे देखोगे, अमेज़न प्राइम पे कहीं भी देखोगे। हाँ। जो सिनेमा हॉल में उस चीज का एक्सपीरियंस है ना। हाँ। वो एक्सपीरियंस कहीं नहीं मिल सकता वो सीन लिटरली, और ये देख लो आवाज है ना, मतलब ऐसा लग रहा था भाई, इस मूवी के ट्रेलर ने मुझे खींचा सिनेमा हॉल तक। KGF 2 के बाद मैंने, अगर किसी ने वैसे तो कोई नहीं बचाओगे सबने, अगर नहीं देखी हो तो जहाँ वो नंबरिंग शुरू हो जाती है ना उसके बाद मूवी है, लोग उठ के नजर, क्रेडिट सीन भी है, मतलब पिक्चर खत्म हो गया, जो नाम लिखे आते हैं उसके बाद स्टोरी कंटिन्यू होगी आगे,
तो और मूवी भाई बहुत ताबड़तोड़, मैं फैन हो गया एक तो वो इंटरवल से पहले वाले सीन का, लेकिन मुझे लगता है क्लाइमेक्स इतना ही ताबड़तोड़ होना चाहिए था जितना इंटरवल से पहले जो सीन था, क्लाइमेक्स थोड़ा हल्का फाइट वाइज पड़ गया, इंटरवल से पहले वाले सीन ज्यादा वो थे मतलब, और मुझे लगता है इंटरवल से पहले जो सीन था वो बंदूक बंदूक उसको अगर लास्ट में उस टाइप का कुछ कर देते तो और मस्त, मूवी बहुत ताबड़तोड़ थी। बस मैं कंपेयर कर रहा हूँ कि मूवी एक और चीज कई लोग अगर टिपिकल रिव्यूअर की तरह जो निचोड़ लेते हैं ना, तो वैसे कहूँ तो फर्स्ट हाफ बहुत फास्ट पेस था, बहुत ताबड़तोड़, सेकंड थोड़ा स्लो जाता है, एंडिंग भी ठीक थी, बढ़िया थी, लेकिन मुझे लगता है जो माहौल इंटरवल से पहले उस सीन ने बनाया ना, वो सीन वैसा ही थोड़ा बहुत भी अगर लास्ट में होता और मजा आता। तो उसका लुक लुक भाई साहब गजब, वो लुक उस रोल को किस को ना पूरा अच्छे से जस्टिफाई किया है बंदे ने, मतलब बिल्कुल क्रेजी एनिमल जो वर्ड दिया है ना, बिल्कुल ऐसा लग रहा था बंदा कैरेक्टर में पूरा घुस चुका है। और एक जो अनिल कपूर और रणबीर कपूर का जो लास्ट वाला सीन था जिसमें वो फादर की एक्टिंग करता, कहता आप पापा, जो ट्रेलर में भी था देखा होगा भाई उसमें एक्टिंग, हर सब ने मतलब बॉबी देओल, बॉबी देओल बिना बोले इतना बड़ा काम कर दिया है, मैं कहूंगा बहुत स्ट्रॉन्ग रोल था उसका, जो जितना भी उसका पार्ट था ना भाई सच में बहुत ताबड़ रोल है। और रश्मिका का जो एक हाउसवाइफ वाला जो रोल था वो जो भाई बहुत मतलब उसमें जो बहुत सारे लोगों ने ट्रोल भी किया था ना कि वो क्या बोले समझ नहीं रहा, वो वहीं पे ऐसा लगा, बाकी ओवरऑल मूवी में उसका बहुत अच्छी एक्टिंग करी है, मजेदार रोमांस अगर ढूंढ रहे हो तो वो भी मिलेगा। और भाई मतलब उन दोनों की जोड़ी भी स्क्रीन बहुत अच्छी लग रही है, एक वो कहते हैं ना फैमिली ड्रामा नेक्स्ट लेवल, लिटरली इसमें लव स्टोरी भी थी और जो बॉन्ड दिखाया। और एक चीज ये समझ लेना दोस्तों, एक चीज मैं कहूंगा ये मूवी बहुत ताबड़तोड़, और जैसे कबीर सिंह है वैसे ये है, ये कबीर सिंह का नेक्स्ट वर्जन हो गया, लेकिन फिर भी मैं कहूंगा ये कैरेक्टर्स रियल लाइफ में अच्छे लगते हैं, रियल लाइफ में आप कर दोगे इसका 1% भी आप जेल में होंगे। हाँ लेकिन वही वाली बात है भाई, एक्टर्स है, हम एंटरटेनमेंट के लिए मूवीज देखते हैं, और क्या गजब भाई, मैं तो ये हैट्स ऑफ टू डायरेक्टर यार, क्या माहौल बना अनिल कपूर इस एज में भी, मतलब एकदम जैसे बवाल मचा दिया एक्टिंग, मतलब कि 1% भी ऐसा नहीं हुआ कि मैं जाके वॉशरूम चला जाऊं या कुछ चल जाऊं, लोगों को लगी होगी बीच में जब वो थोड़ा सा सेकंड हाफ जब चला थोड़ा सा उनकी लव स्टोरी वाली बात चल रही है थोड़ा स्लो पेस, 5 मिनट्स की निकल गई, आप लोग कमेंट में बता सकते हैं क्या कुछ निकला वो शुरू कुछ निकला है ना। हां और भैया पैसा वसूल मूवी, ये वो मूवी है जिसको आप बड़े पर्दे पे आप इंजॉय करते हो, खासकर वो इंटरवल वाला सीन और अलग ही माहौल भाई, तुम ये देख रहे हो जब मेरे जैसे इंसान को जो KGF 2 के बाद अब गया है मूवी देख रहे हैं, तो कुछ तो बात होगी, मेरे को जवान देखने का भी मन था, देखी सर हां देखो फ्रेंकली जवान देखने का मन था, लेकिन हम थे न्यूज टाइम पे मतलब हां, और जब मतलब मैंने की उस टाइम पे यहां भी तो थी हाँ, लेकिन भैया मैं क्या बोलूं, मतलब डायरेक्टर ने जो कैरेक्टर दिया रणबीर को और रणबीर ने जो खाया कैरेक्टर, उसने नहीं उसने डायरेक्टर ने बोला था आई विल शो द ऑडियंस व्हाट एक्चुअली वायलेंस इज, करके उसने बोला भाई। और कई लोग ये जैसे कई बार कहते हैं ना कि कैरेक्टर और बड़ी एक्टिंग होती है, और मैं कह रहा हूँ इससे ऊपर कुछ हो ही नहीं सकता था जो कैरेक्टर रणबीर ने करा, एकदम क्रेजी साइको क्रेजी एनिमल। गूज़बम्प्स की बात करें तो अर्जुन वेली गाने पे जो माहौल बनता है, और वही सीन वही फाइट कंटिन्यू होती है, उससे पहले फंकी म्यूजिक चलता है थोड़ा कूल सा, लेकिन उसके बाद जब ये आता है ना भाई आंखें हटती, और आप जो सॉन्ग है ना वो जान है, जान है, और उसे जब आप थिएटर में सुनते हो ना इतने लोगों के साथ, जो तालियां और सीटियां लोगों ने पीटी उस गाने में, जैसे उस गाने की वो ट्यून शुरू हुई थी तभी लोगों ने, मतलब जैसे कबीर सिंह कई बार देखने का मन करता है, ये मूवी वैसी है, कई बार अभी आप इंजॉय कर सकते हो भाई, बहुत कम लोग होते हैं ऐसे एक्टर। और मैं कहूंगा रणबीर कपूर बहुत गजब एक्टर है, बहुत गजब रॉकस्टार से ही मैं फैन हूँ रणबीर कपूर का, और ये सिनेमा हम चाहते हैं कि एंटरटेनमेंट वाइज हमें थोड़ा सा और हटके मिले जिसमें देखने मजा आए भाई, क्या बोलूं मैं, मतलब कि मैं उस टाइम में सोचता यार और स्टोरी चले, और अब इसका मतलब बट एक इतनी सेकंड पार्ट भी आएगा मुझे लगता है, साढ़े क्योंकि हर जगह चल रही है चर्चा है, हर जगह 3.5 घंटे की थी ना, 3.5 घंटे की मूवी नॉर्मली झेलनी मुश्किल हो जाती है 3.5 घंटे की, बट इसमें पता नहीं किसने देखी है, आप अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हो, इंटरवल तक भी ये समझ नहीं आया, अच्छा इंटरवल हो गया मतलब हम ऐसे थे जैसे इतनी लंबी मूवी के बाद बनता ही रहता, मजा आया भैया पैसा वसूल थी, आपको कैसे लगी अगर आपने देखी है बताना जरूर, और प्लान कर रहे हो तो एक बार भी मत सोचो, भाग के जाओ देखो, और आप खुद बोलो भाई सौदा बाय, और ब्लॉग पसंद आया तो लाइक कर देना भाई, टेक केयर।